ृश्यमानगरी तुल्यं निजान् पर्जतम् यक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवात्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये संभोगे विप्रलम्भे निरुभयमभयम् भाति भूपो रसानाम् विक्षेपे वा समादौ विहरणनिपुणा ब्रह्मविद्ये इत्थं लोकैरशोकैर्दिशि दिशि बहुधा भाव्यमानो वधूतः श्रीपूर्णानन्दतीर्थः पतिपतिपतितारं नन्दयन् ब्रह्मीति पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम् पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् गीता अम्बा है माँ। जैसे माँ अपने बच्चे का हित चाहती है, गर्भ में धारण करती है, पुष्टि देती है, प्रसव करती है, दूध पिलाती है, संवारती है, सजाती है, श्रृंगारती है, शिक्षण देती है, बड़ा करती है, योग्य बनाती है, वैसे भगवद गीता भी एक मनुष्य के निर्माण में माता का काम करती है। अम्बत्वा मनुसंदधान भगवत गीते भगवत वेशिनी। एक बात कही गई संकेत में कि जैसे माँ ये नहीं चाहती कि हमारे बेटे का बारंबार जन्म हो, क्यों तो बारंबार जन्म होना माने तो बारंबार मरना। तो जैसे माता को अपने बेटे के मरण से और पुनः पुनः जन्म से द्वेष होता है, वैसे गीता माता को भी अपने पुत्र का बारंबार जन्म और मरण पसंद नहीं है। भवद्वेषिणी भव माने भव माने पुनर्भव, पुनर्जन्म पसंद नहीं है। आओ माँ की गोद में कुछ खेलें, कुछ उसका आनंद लें। गीता में भगवान श्री कृष्ण पहले ही कहते हैं कि भाई बुद्धिवाद संबंधी लंबे चौड़े भाषण हमको पसंद नहीं। प्रज्ञावादाश्च भाषसे, भाषसे का अर्थ है भाषण, और प्रज्ञावादी भाषण अपनी बौद्धिक विशेषता का प्रदर्शन करने के लिए लंबे चौड़े भाषण हमको पसंद नहीं है। प्रज्ञावादांश भाषते, पर इसका अर्थ नहीं है कि लंबे चौड़े भाषण पसंद नहीं है तो बुद्धि भी पसंद ना हो। सारी गीता को भगवान श्री कृष्ण ने दो विभाग में बांट दिया है। एक तो चाहिए बुद्धि योग माने यथार्थ का ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है, और दूसरा चाहिए योग, योग माने उपाय का, साधन का, पौरुष का अनुष्ठान। मनुष्य की समझदारी ठीक हो
और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपाय ठीक ठीक करें, ये दो बात होना आवश्यक है। ईशा ते भीता सांख्य बुद्धिर योगे त्वेमाम शरणो। सांख्य बुद्धि माने यथार्थ वस्तु की बुद्धि, और योग बुद्धि माने उपाय की बुद्धि, साधन की बुद्धि। जैसे कोई वैद्य रोग के निदान को ठीक समझ जाए, रोग के स्वरूप को ठीक समझ जाए, और उसकी शांति के लिए ठीक ठीक औषध का प्रयोग करे, तो रोग को ठीक समझना भी आवश्यक है और उसकी चिकित्सा को ठीक समझना आवश्यक है, और स्वस्थ हो जाने पर उसका क्या स्वरूप होगा वो समझना भी आवश्यक है। तो सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि जब दो विभाग दूसरे अध्याय में किया गया, तो वस्तु की सही जानकारी और हमें क्या उपाय करना है इसकी ठीक ठीक जानकारी, क्योंकि आखिर उपदेश बुद्धि में ही सुधार कर सकता है। संभव है आगे कोई ऐसा युग आवे कि ऐसी मशीनें बन जाएं कि हम मुंह से बोलते जाएं और वे काम करती जाएं। अभी तो ऐसी बनी नहीं है कि हम मुख से शब्दोच्चारण करें, जब हम कहें कि चल तब वो चले, और जब हम कहें कि रुक जा तो वो रुक जाए। हमारी ध्वनि को ग्रहण करके वो क्रियाशील हो या क्रिया निवृत्त हो, संभव है आगे ऐसे यंत्र बन जाएं। परंतु ये जो हम भाषण करते हैं वो पहले बुद्धि को सुधारता है, फिर समझ के अनुसार संकल्प बनता है, संकल्प के अनुसार क्रिया होती है। जानाति इच्छति करोति। हम बोल कर केवल जानकारी देते हैं और ठीक जानकारी प्राप्त करके आपके हृदय में उसके अनुसार संकल्प उदय होता है, और जैसा संकल्प उदय होता है वैसा आप करते हैं। जानाति इच्छति करोति। तो पहला प्रयत्न ये है कि मनुष्य को ठीक ठीक जानकारी प्राप्त हो, ये बात बुद्धि हुए बिना प्राप्त नहीं हो सकती। अर्जुन को ठीक ठीक जानकारी और जानकारी के अनुसार आचरण, दोनों में भगवान ने संदेह उत्पन्न कर दिया। अब हम लोग ईश्वर को मानने वाले ऐसा तो कैसे कहें कि बिना उनकी इच्छा के ही अर्जुन के मन में ऐसा आया। अर्जुन के मन में एक मोह का उदय हुआ जो मरने और मारने से परहेज करता है। ये देह में अभिनिविष्ट हो जाने की सबसे बड़ी पहचान है। हड्डी मांस जाम का बना हुआ ये शरीर इतना कीमती नहीं है कि इसको पकड़ के हम बैठ जाएं और इसमें सत्य की जगह असत्य को पकड़ लें, प्रकाश की जगह अंधकार को पकड़ लें, अमृत के स्थान पर मृत्यु को स्वीकार कर लें, ये शरीर इसके लिए नहीं है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। असतो मां सत्गमय। असत्य से सत्य की ओर ले चलो। मृत्योर मां मृतंगमय। मृत्यु से हमें अमृतत्व की ओर ले चलो। ये मनुष्य की अभ्यारोह प्रार्थना है। हम भगवान के सम्मुख ऊपर उठें, इसके लिए मनुष्य की प्रार्थना है। हम असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर चलें। इस बुद्ध योग की कुछ स्थितियां होती हैं, हम गीता पर बाद में उन्हें आरूढ़ करेंगे। एक तो देह के छूट जाने के डर से हम अपने जीवन में बुराइयों को अपना लें, जिसके सामने धर्म बुद्धि का उदय होता है। जिसके जीवन में धर्म बुद्धि नहीं है
वो अपने शरीर को या अपने संबंधियों के शरीर को इतना मूल्य देगा, उनकी इतनी कीमत आंक बैठेगा कि हमारा और हमारे संबंधी का शरीर बना रहे, भले दूसरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाए। तो ये धर्म इस बुराई की आड़ में आता है, संस्कार आड़े आता है, आड़ में नहीं आड़े आता है। धर्म दो काम करता है, एक तो हमारे जीवन में जो गलतियां हैं, ये गलत शब्द भी संस्कृत का ही है, जब गलत कुष्ठ बोलना होता है तब तो आप बोलते ही हैं ना, शरीर में कुष्ठ रोग होता है तो गलत कुष्ठ बोलते हैं, गलता हुआ कोढ़, तो वो गलत शब्द जो वहाँ है वो संस्कृत का ही है, गलितम पलितम संस्कृत के। जीवन में जो गलतियां हैं, खलतियां हैं, खलन है, इनसे हमको बचावे, दोषापनयन करे, जो दोष हमारे जीवन में आ गए हैं, आ रहे हैं, आने वाले हैं, उनसे हमको बचावे, और जो गुण हमारे जीवन में नहीं हैं, उनको लाकर स्थापित करे, और जो कमी है उसको पूर्ण करे। ये धर्म तीन काम करता है, दोष को मिटाना, गुणों को लाना, और जो नहीं है उनको भरना, जैसे शरीर में कोई रोग है तो उसको दूर करना, पसीना आ गया है उसको धोना, शरीर रूखा हो गया है तो उसको चिकना करना, और शरीर में कहीं कोई कमी है तो देखो, जिन साधुओं के सिर पर जटा नहीं होती है तो वो बाजार से जटा खरीद के अपने सिर पर लगाते हैं, ये बात साधुओं की ही नहीं है, महिलाओं की भी है। तो दोषापनयन, दोष को दूर करना, कोई दाग लग गया है तो उसको धो देना, कपड़े में दाग है तो धो देना, और सादा है तो रंग देना, और कहीं फटा हुआ है तो उसको रफू करके बराबर कर देना। ये तीनों काम जैसे कपड़े में होता है, वैसे जीवन में भी ये तीनों काम होते हैं, और ये तीनों काम हमारे जीवन में धर्म करता है। केवल ये मनुष्य शरीर ही हमारे जीवन का सर्वस्व नहीं है, ये तो पहले से एक धारा बहती हुई आई है, और ये जीवन उसका एक तरंग है, और ये तरंग शांत हो जाने पर भी आगे धारा बढ़ती रहेगी। तो केवल इस तरंग की रूपरेखा में ही हम इतने अभिनिविष्ट न हो जाएं, इतने तन्मय न हो जाएं, तल्लीन न हो जाएं, डूब न जाएं, गर्क न हो जाएं, मशगूल न हो जाएं, केवल किसी थोड़े से छोटे से जीवन में कि पीछे से जो एक निर्मल अमृत की धारा हमारे जीवन में बहती चली आई है वो सूख जाए और आगे उसकी परंपरा न चले, इसके लिए हमारे जीवन में धर्म की आवश्यकता है। धर्म हमें निराशावादी, नैराश्य नहीं देता है, नैराश्यवादी नहीं बनाता है, आशावादी बनाता है। हमारे कर्म का फल अभी नहीं मिला तो क्या आगे मिलेगा, हमारे जीवन में ये जो दुख आया है ये संभव है हमारे किसी पिछले कर्म का परिणाम हो। तो जीवन को आशावान बनाने में, निष्ठावान बनाने में, उत्साही बनाने में धर्म बहुत बड़ा सहारा देता है, इसको धर्म बुद्धि कहते हैं। अर्जुन के मन में धर्म बुद्धि तो थी, परंतु वो धर्म बुद्धि मोह और ममता के कारण कुछ धुंधली हो गई, उसको प्रकाश की आवश्यकता थी, उसके परिमार्जन की आवश्यकता थी, और श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन इतना ही नहीं है अर्जुन, नत्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाहा न चैव न भविष्यामहा सर्वे वयमतः परम, हम पहले नहीं थे ऐसा भी नहीं,
और आगे नहीं होंगे ऐसा भी नहीं। ये वर्तमान जीवन तो एक बहुत लंबे जीवन का अनादि और नित्य जीवन का एक छोटा सा स्वप्न है, एक बहुत बड़ी नदी में एक छोटा सा तरंग है। केवल इसी को सब कुछ समझ करके इसी के घेरे में अपने को मत बांधो। धर्म बुद्धि आत्मा की नित्यता पर आधारित होती है, चाहे वो धर्म बुद्धि हिंदू की धर्म बुद्धि हो, चाहे बौद्ध की धर्म बुद्धि हो, सनातनी की धर्म बुद्धि हो, आर्य समाजी की धर्म बुद्धि हो, बौद्ध की हो, जैन की हो, इस्लाम की हो, ईसाई की हो, सिख की हो, यहूदी की हो, पारसी की हो, धर्म बुद्धि किसी की भी होगी तो आपको ये शिक्षा देगी कि आप ये शरीर मात्र नहीं है, इसी के संबंध आपके संबंध नहीं है, इसी के सुख दुख आपके सुख दुख नहीं है। आपके विशाल जीवन में ये जीवन तो एक झलक मात्र है, टॉर्च की एक जरा सी रोशनी है, क्षण भर चमकने वाली रोशनी है। तो जीवन की अनंत संभावना उत्पन्न करने वाला ये धर्म का भाव होता है। इसी से भारत सावित्री जिसको बोलते हैं ना, महाभारत की गायत्री, जैसे वेद की गायत्री है हम लोग जिसका जप करते हैं, वैसे ही जैसे कुरान में कलमा है, जैसे वेद में गायत्री है, वैसे एक महाभारत की गायत्री है। और उसमें ये कहा गया है कि न जातु कामात न भयात न लोभात धर्मम जज्ज्यात जीवितस्यापि हेतोः। काम बस, भय बस, लोभ बस अथवा जीवन के मोह बस अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। धर्मो नित्यः सुख दुखे स्वनित्ये। धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य है। सुख आता है जाता है, सपने आते हैं जाते हैं, परंतु धर्म नित्य है और नित्य आत्मा के आश्रय से रहता है। तो ये जब आत्मा की नित्यता का बोध होता है तो हमारा कौन रिश्तेदार मर गया और हमारा शरीर कब मर रहा है इसकी फिकर छोड़कर मनुष्य अपने चिर संगी नित्य सखा धर्म को अपना साथी बना लेता है। धर्म एक मर्यादा है जीवन की, जो बुराइयों को भी बह जाने का मार्ग देती है और जो अच्छाइयों के भी आने का मार्ग देती है। धर्म वो मकान है जिसमें पानी आने का भी रास्ता होता है और पानी निकलने का भी मार्ग होता है। तो दोषापनयन जो है ये पानी निकलने का मार्ग है और गुणाधान जो है ये पानी आने का मार्ग है। और कहीं टूट फूट गई हो छत, कहीं खपरेल उतर गई हो, तो उसको जोड़ने का भी मार्ग धर्म ही है। धर्म माने धारणा शक्ति। अपने जीवन में जो आने वाले विकार हैं, संस्कार के द्वारा धर्म उन विकारों को भी स्वादु बना देता है। जैसे काम एक विकार है और विवाह के द्वारा उसको स्वादिष्ट बनाने का प्रयास किया गया है, वो परिपक्व हो जाएगा, एक प्रयास है। बालों का उगना शरीर में एक विकार है, लेकिन कंघी करके उनको सुसंस्कृत बना दिया जाता है, इसका नाम संस्कार है। पसीना आना विकार है और उसको साबुन से धो देना और कोई चिकनाई लगा के शरीर को ठीक कर लेना, ये संस्कार है। तो धर्म में विकार को दूर करने की और जीवन को संस्कृत बनाने की क्षमता है। ये निसर्ग बात नहीं है, नेचर बात नहीं है, ये हिप्पी बात नहीं है, ये स्वीटल सिद्धांत नहीं है, ये जीवन का संस्कार है धर्म, और ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है।
आप छोड़ नहीं सकते अपने को इस बात पर कि बाल चाहे जैसे बेदौल बढ़ते रहें, मैल चाहे शरीर में जैसी लगी रहे, मल मूत्र चाहे जैसा लगा रहे, और शरीर में मुंह में चाहे जो चीज घुस जाए, आंख में चाहे जो चीज घुस जाए, इस बात को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप मनुष्य हैं और आपको संस्कार की अपेक्षा है। धर्म जीवन का श्रृंगार है, धर्म जीवन का संस्कार है, धर्म जीवन की मर्यादा है। ये धर्म बुद्धि हमारे मौत के भय को, मृत्यु को, डर को बिल्कुल निकम्मा करके छोड़ देता है। मृत्यु का डर निर्जीव हो जाता है, धर्म के सम्मुख मर जाता है। मृत्यु का तो कोई अर्थ ही नहीं है, जहाँ जीवन की समाप्ति है वहीं जीवन का प्रारंभ है। इसको बोलते हैं देह में हड्डी मांस चाम में जो अभिनिवेश है उसको छुड़ाना। देखो कुछ संस्कार माता करती है, कुछ तो माता के गर्भ में आने से पहले ही कर लिया जाता है। देखो व्यभिचार से उत्पन्न संतान संस्कारी होगी, सदाचारी होगी, ब्रह्मचारी होगी, ये कल्पना आप कैसे कर सकते हैं? संतान की उत्पत्ति हुई व्यभिचार से और अब वो सदाचारी संस्कारी ब्रह्मचारी बने तो कैसे बनेगी? तो कुछ संस्कार तो पहले ही हो जाते हैं, गर्भाधान संस्कार, पुन समन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार। कुछ संस्कार माता करती है, कुछ पिता करता है, कुछ शिक्षक करते हैं। ये संस्कार है, सब के सब संस्कार हैं, ये सब के सब धर्मांग हैं। अब एक संस्कार इसके बाद ऐसा आवश्यक होता है जीवन में, हम धर्म का नाम ही इस समय संस्कार ले रहे हैं। संस्कार माने अपने शरीर में लगी हुई मैल को छुड़ाना और उसको सुंदर बनाना, संवारना, सजाना। दूसरा संस्कार क्या अपेक्षित होता है कि हमारे मन में कुछ पक्षपात और कुछ क्रूरता के भाव निसर्ग से आते हैं, वो भी विकार हैं जीवन से। माँ जब अनजान में ही दूध पिलाने लगती है तो उसके प्रति पक्षपात आ जाता है। हम अपनी माँ का तो आदर कर पाते हैं परंतु दूसरी माँ का आदर नहीं कर पाते। माँ ने दूध पिलाया, उसका आदर करना चाहिए, परंतु कहीं अपनी माँ का आदर करने में हम दूसरे की माँ का तिरस्कार न कर बैठे, इसका ध्यान रखना भी तो आवश्यक है। आखिर दूसरे की माँ ने भी तो दूसरे को दूध पिलाया है, उसने भी तो वही काम किया है जो काम मेरी माँ ने किया है। तब मन में विकार दो रूप धारण करता है, जो अपने कहलाते हैं उनके प्रति राग पक्षपात का उदय होता है, और जो पराये कहलाते हैं उनके प्रति मन में द्वेष का उदय होता है, और ये अनेक रूप ग्रहण करता है। अपने सगे संबंधी बिल्कुल दूध के धुले हैं। अभी थोड़े दिनों की बात है, एक जज ने किसी मुकदमे में फैसला किया था, जजी जब उनकी छूट गई तो फिर से वकालत करने लगे। मुझे मालूम नहीं कि अब जजी छूटने के बाद फिर से वकालत करने की इजाजत है कि नहीं, उस समय थी। और उसी मुकदमे में अपने फैसले के ही विरुद्ध वकालत करने के लिए वे अदालत में खड़े हुए। जब उनसे पूछा गया कि क्यों वकील साहब, आप जज थे तब आपने ऐसा फैसला किया है और अब आप वकील होके आए हैं तो अपने फैसले के विरुद्ध दलील दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो बोले कि श्रीमान, जो मैंने फैसला किया है वो तो मेरी राय थी और अब मैं तथ्य प्रकट कर रहा हूँ, अब सच्चाई बोल रहा हूँ। एक बात आपको सुनाते हैं, मुवक्किल का पैसा जो है वो कैसे अतथ्य को तथ्य बना देता है। वो अंग्रेजी में भी तो एक क्या इसी से टुत की क्या शब्द बनता हुआ तथ्य है ना, तथ्य के स्थान पर है, वो झूठ को भी सच बना देता है। तो मनुष्य के जीवन में
जहाँ से कुछ लाभ दिखता है, कुछ मिलता है, वहाँ पक्षपात होता है, और जहाँ अपना मन नहीं मिलता है, अपने को लाभ नहीं होता है, वहाँ से द्वेष हो जाता है। अब मनुष्य जीवन की मर्यादा जो है, यदि ईश्वर के प्रकाश को अपने जीवन में अपनाना है, तो ये जो राग मूलक द्वेष मूलक विचार हैं, इनसे अपने को छुड़ाना पड़ेगा, तब बुद्धि, इसको वैराग्य बुद्धि बोलते हैं। बुद्धि योग का पहला भेद है धर्म और दूसरा भेद है वैराग्य। वैराग्य माने घृणा नहीं, वैराग्य माने द्वेष नहीं, वैराग्य माने ग्लानी नहीं, वैराग्य माने हिंसा नहीं, वैराग्य माने त्याग भी नहीं। वैराग्य माने इतने ही कि अपनों का पक्षपात करके दूसरों को हानि न पहुंचाई जाए, इतना वैराग्य तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए। असल में न्याय के लिए तराजू का कांटा समान चाहिए। हमारे गांव के पास एक व्यापारी थे, जब मैं स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था तो वो माला लेके हाथ में बैठते थे, तुलसी की बड़ी माला, हजारा होता था, अपनी दुकान में बैठते। हमको रोज उनकी दुकान में दोपहर का जलपान करने के लिए जाना होता था, क्योंकि मैं ब्राह्मण होने के कारण सबके घर की चीज नहीं खा सकता था। तो सीताराम सटकते थे वो, सीताराम 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 सटकते, और बोलते थे, बेटा सरजू, व्यापारी का सारा लाभ उसके तौलने में है, जरा सा तराजू टेढ़ी की है ना, और मुनाफा निकल आया। तो ये जो तराजू को टेढ़ा करने वाली विद्या है, इससे हमारी न्याय तुला जो है, ये न्याय तुला विषम हो जाती है, एक ओर झुक जाती है। और ये क्यों होता है? ये रागद्वेष की अधिकता के कारण ही होता है, मोह ममता की अधिकता के कारण ही होता है। जुजुत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। अर्जुन को क्या हो गया? बुखार चढ़ गया बेमौके। वीर पुरुष, क्षत्रिय पुरुष, योद्धा बोले, अरे ये तो अपने आदमी हैं, ये लड़ाई करने के लिए कौन आ रहे हैं? का अपने साले साहब हैं, चाला संबंध नष्ट था, साले साहब हैं। कहते धनुष बाण रख दो बाबा, अपने साले पर अगर हम तीर चलावेंगे तो हमारी घर वाली घर में नहीं घुसने देंगे। साले पर तीर, गुरु जी पर तीर चलावेंगे तो सब चेले विरोधी हो जाएंगे। देखो तो ये दृष्टवे मम स्वजनम कृष्ण युजुत्सुम समुपस्थितम, सीधा शरीर फट रहा है, मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और हाथ से धनुष गिर रहा है। और ये क्यों हुआ? एक पक्ष में राग है, एक पक्ष के प्रति द्वेष है, न्याय की तुला संतुलित नहीं है, झुका हुआ है। तो समता जो है जीवन में, समत्व न्याय की तुला यदि बनी रहे, तब मनुष्य की बुद्धि ठीक रहती है, वो यथार्थ को समझता है, और उस यथार्थ की प्राप्ति के लिए जो उपाय करना चाहिए सो करता है। अब एक तीसरी बुद्धि देखो, एक धर्म बुद्धि है जो अपने को दैहिक जीवन से परे करती है, और एक समत्व बुद्धि है जो राग द्वेष से ऊपर उठाती है। एक तीसरी बुद्धि है महान का चिंतन। महान का चिंतन क्या होता है? यदि आपको अपने धन का अभिमान हो तो जरा उन लोगों की ओर ध्यान दीजिए जिनके हजारवें हिस्से के बराबर भी आपके पास धन नहीं है। धन का अभिमान टूटेगा कि नहीं? हम एक बड़े सेठ के घर में थे, लोग समझते हैं कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत धनी हैं। वैसे आप लोग धनियों से, संभव है किसी धनी से आपके मन में ईर्ष्या हो,
तो हम बिल्कुल स्पष्टम स्पष्टम बता देते हैं। बड़े बड़े धनियों को मैंने बुलक बुलक के अपने सामने रोते देखा है। धन अधिक होने से कोई सुखी नहीं होता है। सुख की कला दूसरी है और धन दूसरी वस्तु है। सुख की तो कला है, सुख की तो विद्या है। जब 20 वर्ष का टैक्स उनके ऊपर बकाया निकाला गया और जब करोड़ों की संख्या में उसकी गिनती निकली तो बोले कि अब तो महाराज गए, दिवाला निकला, सारा व्यापार चौपट हुआ। कहा बोले का कोई अनुष्ठान होना चाहिए, वैदिक यज्ञ होना चाहिए, अनुष्ठान होना चाहिए, अब किसी देवता का प्रसाद चाहिए, अब आपका आशीर्वाद चाहिए। तो वो बताते हैं बड़े लोग कि यहाँ तो हम लोग धनी बने बने फिरते हैं और समझते हैं हमारे बराबर कुछ नहीं है, लेकिन जब हम अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ हमको अपनी क्षुद्रता का, अपनी तुच्छता का अनुभव होता है कि हमारे पास क्या है। तो तीसरी विद्या क्या है कि यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की अस्मिता, अस्मी भाव, बड़प्पन बना हो, विद्या का हो, तो आप अपने से छोटे की ओर, मूर्ख की ओर मत देखिए, अपने से बड़े विद्वान की ओर देखिए, उसके सामने आपकी विद्या कितनी छोटी है। धन का अभिमान हो तो अपने से बड़े धनी की ओर देखिए। और सबसे बड़ा है ईश्वर। यदि आप संपूर्ण विश्व के आत्मा, परमेश्वर, विराट, हिरण्यगर्भ, अंतर्यामी परमेश्वर और सच्चिदानंद घन ब्रह्म की ओर देखेंगे तो ये आपका अभिमान जो बड़प्पन का है, बड़प्पन का अभिमान, धन का अभिमान बाहर से आता है, विद्या का अभिमान पढ़ने लिखने से आता है, बुद्धि का अभिमान नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा से होता है, ये सब उधार लिए हुए अभिमान हैं। यदि आप में किसी भी प्रकार अपने आप में बड़प्पन का अभिमान हो तो आप ईश्वर के बारे में थोड़ा चिंतन कीजिए, जाके रोम रोम ब्रह्मंडा, जिसके एक एक रोम कूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड रहते हैं, जस्य समंततः अनंतानि ब्रह्मांडानि प्रज्वलन्ति जस्य समंततः रोमकूपेषु। आपने कभी आकाश की तरफ ध्यान दिया है? ये आपकी पृथ्वी, दूसरे तारों से ये पृथ्वी बिल्कुल तारे के बराबर दिखती है। वो दुनिया के नक्शे में जबलपुर कितना बड़ा है आप बताइए। भारतवर्ष अगर दुनिया के नक्शे में 4 अंगुल 6 अंगुल 8 अंगुल अपना स्थान लेता है तो जबलपुर कितना लेता है, और जबलपुर में आपका महल ये कितना स्थान लेता है। आप उस ईश्वर की ओर ध्यान दें तो आपका मैं, ये अपने मैं पने के कारण जो हम दूसरों को नीच समझते हैं, छोटा समझते हैं, धर्म, वैराग्य, अनंत का चिंतन, कहीं भी आपको अभिमान करने का स्थान नहीं देगा, आपकी अस्मिता को जगह नहीं देगा। क्या आप परोपकार करते हैं? दुनिया में कितने भूखे हैं? करोड़ों भूखों में से आपने कितनों को अन्न खिलाया है? लाखों प्यासों में से आपने कितने को पानी पिलाया है? लाखों बेघरों में से आपने कितनों को घर दिया है? लाखों नंगों में से आपने कितनों को कपड़ा दिया है? किस बात की अस्मिता, किस बात की होती है अस्मिता? माने अस्मि, मैं पने का भाव, अस्मेर भाव अस्मिता, आपका मैं कहाँ। तो देखो, ईश्वर का चिंतन भक्ति है, ये भक्ति बुद्धि है, हो ईश्वर बुद्धि है। धर्म बुद्धि देह के मोह को कम करती है और समत्व बुद्धि राग द्वेष को कम करते हैं। और ईश्वर बुद्धि, अब ईश्वर बुद्धि में दो विभाग होता है, एक अपनी ओर से ईश्वर का चिंतन और एक ईश्वर की ओर से अनुग्रह की वर्षा। तो जो ईश्वर की ओर से अनुग्रह की वर्षा होती है उसको शरणागति कहते हैं,
और जो अपनी ओर से ईश्वर का चिंतन होता है इसको भक्ति कहते हैं। ये सभी भक्त संप्रदायों को मान्य है। मैं रामानुज संप्रदाय में अपनी ओर से जो भक्ति की जाती है उसको क्रिया योग कहते हैं, और भगवान की ओर से जो स्वीकृति मिलती है उसको शरणागति कहते हैं। भगवान के अनुग्रह की वर्षा का नाम शरणागति है। वल्लभ संप्रदाय में जो अपनी ओर से भक्ति की जाती है उसको मर्यादा कहते हैं, और जो ईश्वर की ओर से अनुग्रह मिलता है उसको पुष्टि कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में जो अपनी ओर से भक्ति की जाती है उसको वैधि भक्ति कहते हैं, और जो ईश्वर की ओर से अनुग्रह आता है उसको प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में जो अपनी ओर से भक्ति की जाती है उसको साधन भक्ति कहते हैं, और जो ईश्वर की ओर से भक्ति आती है उसको रस भक्ति बोलते हैं। रस तो भक्ति में दो विभाग हैं, आत्मा की प्रधानता से की जाने वाली भक्ति और परमात्मा के अनुग्रह से, कृपा से, करुणा से आने वाली भक्ति। आप सावधान रहना, ईश्वर की ओर से यदि आपके ऊपर प्रेम आवे, रस आवे, करुणा आवे, अनुग्रह आवे तो उसको अस्वीकार मत करना। आए मोरे सजना फिरी गए अंगना, मैं बौरी रही सोए रे, मैं नहीं जानू पिया को मिलन कैसे होए रे। आए मोरे सजना फिरी गए अंगना, मैं बौरी रही सोए रे। तो जब ईश्वर का अनुग्रह आवे, किसी रूप में आवे, मृत्यु के रूप में आवे, अपमान के रूप में आवे, दुख दारिद्र के रूप में आवे, माँ के चपत के रूप में आवे। एक स्त्री ने एक दूसरे पुरुष से मिलकर अपने 10 बरस के पुत्र के लिए जहर भेज दिया पीने को बरसाने में। जो पुरुष जहर लेके आया पीने के लिए उसने बच्चे से कहा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जहर दिया है पीने के लिए, पियोगे तो मर जाओगे, इसको मत पियो बेटा। और बेटे ने कहा कि जिस माँ के पेट में मैं पला हूँ, जिस माँ ने मुझे दूध पिला के जिंदा रखा है, अगर उस माँ ने अपने हाथ से मेरे लिए जहर भेजा है तो मैं माँ के हाथ का जहर पीऊंगा, जरूर पीऊंगा, जिसने मुझे जिलाया है उसी के हाथों में मरूंगा, इससे बढ़ के मेरे लिए और सौभाग्य क्या हो सकता है। तो जिस ईश्वर ने हमको जन्म दिया है, जीवन दिया है, आँख दी, कान दिया, दिल दिया, दिमाग दिया, जिसने हमको जीवित रखा, उस परमेश्वर की ओर से जो आता है अनुग्रह उसको हम स्वीकार करें, उसमें हमारी अस्मिता बह जाएगी, धुल जाएगी। अस्मिता भी एक मैल है, ये मैंपना जो है एक विकार है, तो इसको ईश्वर बुद्धि कहते हैं। धर्म बुद्धि, समत्व बुद्धि, ईश्वर बुद्धि, एक गीता में चौथी बुद्धि और है। वो बुद्धि क्या है कि हमारी अविद्या को, नासमझी को मिटाने वाली बुद्धि। अधिकांश दुख जो हमारे जीवन में आते हैं वो नासमझी से आते हैं, न हमको पीछे का पता है कि क्या हुआ है, न हमको आगे का पता है कि क्या होने वाला है। यहाँ तक कि हमारे शरीर के भीतर रहने वाली नस नाड़ियाँ कैसे काम करती हैं ये भी मालूम नहीं है। अंधे पांव चलते हैं, अंधे हाथ काम करते हैं, अंधी जीभ बोलती है। देखो हमारे जीवन की यही दशा है, पांव में आंख नहीं है, हाथ में आंख नहीं है, जीभ को आंख नहीं है, और हमारी अंधी बुद्धि सोचती है। उसको पीछे से कौन प्रकाश दे रहा है वो अपने प्रकाश दाता को नहीं पहचानती है,
और जिसको देख रही है उसको सही देख रही है, ठीक देख रही है कि गलत देख रही है, इसका भी कुछ पता नहीं है, कोई निर्णायक नहीं। ऐसी स्थिति में हमारी बुद्धि अंधकार से अंधकार में भटक रही है, और जो इसको जीवन देने वाला है, प्रकाश देने वाला है, सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, जो इसके अंदर भीतर से आनंद के फव्वारे फेंकता रहता है, आनंद की पिचकारियां मारता रहता है। आप जानते होंगे रात को खूब आनंद से सोते हैं, जब नींद टूटती है तो कोई ऐसी बात याद आ जाती है कि दिल बेचैनी से भर जाता है, हम दुखी हो जाते हैं तो क्यों, ये अभी तो सोए थे, ये बेचैनी कहाँ से आ गई, और किसी ने भीतर से ही बेचैनी की एक पिचकारी मारी, क्या होली खेल रहा है हमारे साथ। और कभी कभी बहुत दुख की दशा में सोते हैं, रोते हुए सोते हैं, नींद आ जाती है और ऐसा सुख का सपना आता है, या नींद टूट जाने पर बीच में ऐसी सुख की कल्पना होती है कि हम आनंद से भर जाते हैं। वो कौन है, जहाँ कोई भोग नहीं है, जहाँ कोई काम नहीं है, जहाँ कोई घटना नहीं है, जहाँ कोई संबंधी नहीं है, वहाँ भी हमारे हृदय को आनंद से, ज्ञान के प्रकाश से, जीवन के मूल स्रोत से भर देने वाला कौन है। तो इस अविद्या के पीछे भी एक विद्या काम करती है, उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। इस अविद्या के पीछे भी एक विद्या काम करती है और उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। तो तत्व बुद्धि, ये बुद्धि का धर्म बुद्धि, समत्व बुद्धि, ईश्वर बुद्धि और तत्व बुद्धि, ये बुद्धि योग के चार भेद हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर् योगे त्वेमां शरणु। वस्तुतंत्र बुद्धि, जो चीज जैसी है उसको उसी रूप में समझना, इसको वस्तुतंत्र बुद्धि कहते हैं। और कौन सा काम जानबूझकर हमको कैसे करना है, इसको योग बुद्धि, उपाय बुद्धि कहते हैं। जीवन में दोनों की आवश्यकता होती है, यथार्थता का ज्ञान और साधन, कर्म के अनुष्ठान की पद्धति। तो गीता को दो बात पसंद नहीं है, एक तो आप अज्ञानांधकार में, अज्ञान के अंधेरे में भटकते रहें, ये बात गीता को पसंद नहीं है, और दूसरे आप अपने कर्तव्य को ठीक ठीक न समझें और ठीक ठीक अपने कर्तव्य का पालन न करें, ये बात गीता को पसंद नहीं है। माते संगोस्त्व कर्मणि, निकम्मे बिल्कुल मत बनो, निकम्मा होना गीता को पसंद नहीं है। अब इस प्रसंग को फिर